तो आज के वीडियो में बात करने वाले कि हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो किस प्रकार होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सा कलर कोड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो रेड वायर है हमारा, इस वायर को हम फेज़ वायर या लाइव वायर करके हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए हमारे घर में, रेड कलर, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते तो यहाँ पर हमारा ब्लैक वायर है, इस ब्लैक वायर को हमें यहाँ पर न्यूट्रल वायर करके यूज़ करना चाहिए। कभी बोर्ड में प्रॉब्लम भी हो गया उसमें ब्लैक वायर रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रल वायर है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा ग्रीन वायर है, इसको हमें यहाँ पे अर्थिंग का वायर करके यूज़ करना चाहिए। तो इसका ये तीनों भी वायर को यहाँ पे ये सिंबल है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ करो, ये तीनों वायर मिलकर एक सर्किट बनता है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट, जो हमारे घर में पॉइंट होते हैं, लाइट पॉइंट होता है, फैन पॉइंट होता है, गीज़र पॉइंट होता है, उसके बाद बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और यहाँ पे जो हमने कॉमन लिखे हैं तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे है। उसके बाद इसके यहाँ पे वोल्टेज कितना है वो भी हमने यहाँ पे लिखा है, गीज़र का लिखा है, एसी का लिखा है, एसी एक टन का है, डेढ़ टन का है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आते तो ये लोड करंट, तो यहाँ पे जो हमारे ये होम अप्लायंसेस है, तो यहाँ पे 20 वाट होने के बाद, 1000 वाट होने के बाद ये कितने एम्पीयर करंट यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे वायर का साइज़, तो हमें इसके लिए कौन सा वायर यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, तो वो भी हमें यहाँ पे लिखा है। वायर का साइज़ थोड़ा हमने ज़्यादा लिखा है ताकि कई जगह पर वोल्टेज कम होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा लिखा है। तो आप एक बार इसको ज़्यादा भी यूज़ कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे लाइट पॉइंट है 20 वाट का, तो यहाँ पे वो करंट ले रहा है 0.11 एम्पीयर पे करंट ले रहा है, और उसके लिए हमें यहाँ पे 1 square mm का वायर, बहुत सफिशियंट हो गया, 0.5 का भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी यहाँ पे 10 एम्पीयर की। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा फैन पॉइंट है और 80 वाट का है, तो वो यहाँ पे जो करंट ले रहा है वो 0.45 एम्पीयर पे करंट ले रहा है, और उसके लिए हमें यहाँ पे 1 square mm का वायर यूज़ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आराम से ये सफिशियंट है इसके लिए। इसके बाद यहाँ पे गीज़र हमारा 1000 वाट का है, तो 1000 वाट का गीज़र यहाँ पे 5.68 एम्पीयर पे करंट कंज्यूम करता है, और उसके लिए हमें यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर एमएम का वायर भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे आते 2000 वाट का गीज़र है हमारा, और यहाँ पे ये 11.36 एम्पीयर पे करंट कंज्यूम कर रहा है, और उसके लिए हमें यहाँ पे 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर डाल देना है, थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3000 वाट का गीज़र 17 एम्पीयर करंट लेता है, उसके लिए हमें यहाँ पे 4 square mm का वायर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबका नहीं बताऊँगा, क्योंकि सबका बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी और आप लंबी वीडियो देखते नहीं, मुझे मालूम है। तो यहाँ पे आप इस चार्ट में देख के आपको कितना कौन सा अप्लायंसेस करंट ले रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट करो। और यहाँ पर मैंने वायर का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बता दिया है, क्योंकि कई जगह पर वोल्टेज बहुत कम होता है, तो हमारा जो होम अप्लायंसेस वो करंट ज़्यादा लेने लगता है, तो कभी कभी हमारी वायर जल भी सकती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वायर का साइज़ भी ज़्यादा बता दिया है। तो यहाँ पे हम MCB बॉक्स टू रूम के लिए जो सर्किट खींचेंगे फेज न्यूट्रल अर्थिंग का, तो यहाँ पे हमारे रूम का जो लोड है 1000 वाट का लोड है, तो यहाँ पे हमें जो सबसे पहले करंट कितना लेगा, तो ये 5.68 एम्पीयर करंट लेगा, और उसके लिए हमें यहाँ पे 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ करना चाहिए, ये इसके लिए यहाँ पे सफिशियंट है। और इस वायर की यहाँ पे जो कैपेसिटी है 14 एम्पीयर की है, तो यहाँ पे इसके लिए सही है। इसके बाद जो हमारा दूसरा रूम है उसका लोड यहाँ पे 2000 वाट है, और यहाँ पे ये करंट लेगा 11.36, और उसके लिए हमें यहाँ पे 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे 3000 वाट का रूम है, तो उसके लिए यहाँ पे 17 एम्पीयर करंट ले रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसके लिए हमें यहाँ पे 4 square mm का वायर यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, 2.5 का भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी डाल दो, क्योंकि ये हमारा काम लाइफ टाइम होता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इसकी 26 एम्पीयर की कैपेसिटी है, तो यहाँ पे आपका रूम यहाँ पे 4000 वाट का रहेगा, तो यहाँ पे देखिए इतना ये करंट यहाँ पे कंज्यूम करेगा, और उसके लिए हमें यहाँ पे 6 square mm का वायर डाल देना है। यहाँ पे आप 4 square mm का भी वायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पे 6 square mm का वायर यूज़ करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे इस रूम का लोड हमारा 5000 वाट का है, तो यहाँ पे 28.40 एम्पीयर यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 6 square mm का वायर यूज़ करना है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप इसको यूज़ करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कभी आपका वायर जलेगा नहीं, कुछ लोड नहीं आएगा, और ये आपके लिए सफिशियंट रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ जाए, और हम आपके लिए आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।